नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस एसएफ समरंजन मृत्यु मामला सामना को आसिला पत्नी विद्या भारती को आउ एक चिट्ठी निजो होपलेस लाइफ विषय रे चिट्ठी रे उल्लेख सुख संधान रे थिले विद्या राज्य में कोरोना मृत्यु ने लगुनी ब्रेक आज आउ षाठी जीवन नेला किलर भाइरस सेपटे 24 घंटे 1629 पॉजिटिव खोर्धारु 532 कटकु 160 आक्रांत उत्तर बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप सृष्टि प्रभाव में 28-30 तारीख भितर राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना आज 6 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणिपाग विभाग आज 12 घंटिया बरगढ़ बंद डाकरा ड्राइवर मानू कोरोना योद्धा घोषणा दाबी बंद डाकरा ओडिशा मोटर चालक संघ कोरोना रे मृत्यु हेले 50 लाख टंका आर्थिक सहायता देवाक दावी उग्र हेला सीमा विवाद अशांत आसाम मिजोराम बॉर्डर संघर्ष रे आसाम रो 6 पुलिस शहीद समस्या शीघ्र समाधान पाई दुई मुख्यमंत्री को केंद्र गृहमंत्री अमित शाह का निर्देश जेई आडभांस तारीख घोषणा अक्टोबर 3 रे परीक्षा नहीं घोषणा कले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट करि कहिले कोविड कटकणा रे हेबो परीक्षा आज प्रधानमंत्री को भेटिबे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी अपराह 4 हेबो मोदी व दीदी भेटघाट 5 दिनिया गस्तरे अन्य विरोधी नेता भेटिबा कार्यक्रम 2024 निर्वाचन दीदी दिल्ली गस्त नहीं जोर चर्चा एवं टोक्यो ओलंपिक्स ने पुरुष हॉकी रे भारत द्वितीय विजय स्पेन को 3-0 गोल रे हराइला टीम इंडिया सेपटे सुटिंग रु पुणी निराशा 10 मीटर एयर पिस्तल रो द्वितीय राउंड रु विदा हेले मनु एवं सौरभ संपूर्ण खबर को आसीबा पारलाखेमुंडी एसएफ समरंजन महापात्र मृत्यु मामला सामना को आसला पत्नी विद्या भारती का आउ एक चिट्ठी निजर होपलेस लाइफ विषय रे चिट्ठी रे उल्लेख करिसेंती विद्या चिट्ठी रे लिखिसेंती जीवन रे केबे ना केबे सुख आसीबो जेते दंड सब लिखिसेंती भगवान तोते ही भोगिबा को पड़िबो सेति पई कंप्लेन करबा बंद कर दे रिएक्शन देबा बंद कर दे माय फ्यूचर इन डार्क ए चिट्ठी कहा उद्देश्य रे विद्या लिखितिले ताको ने असमाहित प्रश्न सृष्टि होई छि तेबे बारंबार एमती चिट्ठी सामना को आसुची विद्या भारती जोठी तांको लाइफ रे खुशी नथिबा प्रतिफलित होउची खुशी रो संधान रे शांतिर संधान रे से अछंती ता सहित डिवोर्स चाहूचंती चिट्ठी रो स्पष्ट होउची जे संपर्क तो भल नथिला ए बाबद रे अधिक आलोचना करबा जितेंद्र सिधासल काम प्रतिनिधि जोड़ी होइचंती जितेंद्र गोटे परे गोटे चिट्ठी विद्या भारती सामना को आसुची सबु चिट्ठी रे होपलेस हेल्पलेस एवं गोटे डिससाटिस्फाइड लाइफ रो प्रतिफलन देखिबा को मिलछि ए चिट्ठी रे कोन कोन लेखा आइछि सब देखंतु सुनति लगना गोटे परे गोटे दिन बिटि बिटि जाउ जो समीरंजन महापात्रंकर जो हत्या ना आत्महत्या ना से ताहा नहीं कि पुलिस तदंत करुची किंतु गोटे अन्य पटे जो विद्या भारती हाथलेखा चिट्ठी गोटे पर गोटे हाथलेखा चिट्ठी अर्गस हाथ में लगुच्छी से ष्ठ अनुमय होती विद्या भारती एवं समीर रंजन महापात्र दुईज भितर संपर्क ठीक नथिला किंतु जदि गोटे कथा कह से जहाँ लेखा जाश जापार पढ़ुले जहाँ विद्या भारती जहाँ कहते होपलेस लाइफ ठीक ना ये भगवान ये सबुदंड दि जाऊ ये क्या उद्देश्य लिखुंत यह पूर्व मो जो चिट्ठी आसाला से ष्ठ अनुमय होता जे भगवान मते नरकरु बाहर कर दियो भगवान पुरी नहीं जाओ मुझे पुरी रे दासी रही एपरी जहाँ लेखा बारंबार गणमाध्यम प्रसार होगा आम हाथ में लगुच्छी से ष्ठ अनुमय हो स्मृति लग्ना दुईज भितर संपर्क ठीक नाला कितु पुलिस तार तदंतर दिग बदला डेरी करुच्ची जो द्वारा पुलिस उपरे लोक विश्वास त्रुटि लगुच्छी स्मृति लग्ना
से चिठी रे लेखा आइछि जे मु बहुत अनुताप करूछि मो जीवन को नै कि एवं बहुत डाउन फील करि सारिलेनी एते कि दिन रे माने एमिति बाहा घर रो अल्प दिन जो दिन संपर्क रो सबठो भलो दिन बोली कहा जाय एवं ए समय रे से काहे कि एते डिससटिस्फाई एते फ्रस्ट्रेटेड फील करिछंती से ही सबठो बडो प्रश्न ना नै जितेंद्र देखंतु स्मृति लग्ना विद्या भारती जतल तांको घर को जाइथिले घर को गला पर गणमाध्यम सामने गुडे प्रतिक्रिया तांको रखथिले जे मु दुई जन को संपर्क बहुत ठीक थिला आमे दुई जन पूरा पूरी ठीक ठाक रहथुलु केमिति कोन हला घटना ता जानि नै कहथिले किंतु ए जो चिट्ठी गोटिए पर गोटिए चिट्ठी पदा को आसुची तांको दुई जन को संपर्क केते स्ट्रांग थिला ता स्पष्ट अनुमय होची स्मृति लग्ना निश्चित भाव रे किंतु सौम्यरंजन मृत्यु को लेकिन एवं भी अनेक असमाहित प्रश्न अनेक अड़ुआ सूता अपेक्षा रहुची सौम्य परिवार न्याय अपेक्षा अच्छा ता सहित तो पूरा राज्य अपेक्षा करिछि तदंतर दिग कुआडे जाउची केते स्वच्छ तदंत हेउची से उपर मध्य नजर रहुची बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना पई हमर प्रतिनिधि जितेंद्र अमुक अधिक सूचना दोतले खबर बाबत राज्य में पुणि 60 जीवन नेला वायरस सुंदरगढ़ सर्वाधिक 14 जन कोरोना रोगी मृत्यु खोर्धार 8 कटक अनुगुल 6 जन लेखाएं आक्रांत मृत्यु आज संख्या को मिसाई ओडिशा रे मोट कोरोना जनित 5634 मृत्यु संख्या पहुंची सेपटे 24 घंटे मोट 1629 पॉजिटिव चिन्हट खोर्धार सर्वाधिक 532 कटक 160 पुरी 96 जाजपुर 84 नुआ आक्रांत चिन्हट आज 12 घंटिया बरगढ़ जिला बंद डाकरा देछि ओडिशा मोटर चालक संघ ड्राइवर मानकु कोरोना योद्धा घोषणा करबाकु दावी करी सकाळ 6 रु संध्या 6 जाय बंद डाकरा देछि संघ अताबिरा सहेला फटली अंभावना भुक्त अंचल रे समस्त दुकान बाजार बंद ता सहित रास्ता अवरोध करिछंती संघर कर्मकर्ता ड्राइवर मानकु कोरोना योद्धा घोषणा करबा सह कोरोना मृत्यु हेले परिवार को 50 लाख टंका आर्थिक सहायता दाबी महामारी समय रे गाड़ी चालक घरे रहितबारु 10,000 टंका मध्य क्षतिपूर्ण देबाकु दाबी करिछंती संघर कर्मकर्ता अधिक सूचना पाई बरगढ़ प्रतिनिधि मनीष शर्मा फोन लाइन ने जोड़ी होती मनीष आप जानते बरगढ़ आज 12 घंटिया बंद डाकरा संघर कर्मकर्ता ये दाबी करते जे दिन से माने घरे रही गाड़ी चलाई पारे ना गाड़ी चालक घरे रही थ 10,000 टंका क्षतिपूरण दिंतु ता सहित आहरी दाबी करते कोरोन मृत्यु हेले पर 50 लाख टकर आर्थिक सहायता मिलू यह कि प्रतिक्रिया सामना को आसूची प्रशासनिक अधिकारी तरफ देखो स्मृति लग्ना जो भाव में जो ओडिशा मोटर चालक संघ रही बरगढ़ जिला आज 12 घंटिया पखापाखि बंद डाकरा देखते जो राजरास्ता रही राजरास्ता गुड़ी को मध्य अवरोध कर रखिंट जहाँफल बहु जान बाहन ए रास्ता उपरे छिड़ा है एवं जो प्रशासनिक अधिकारी कथा कह जो डिमांड रही डिमांड रही जो मैंने कोरोना रे आक्रांत हेले एवं मृत्युवरण कले 50 लाख टंका क्षतिपूरण दि जाऊ एस तो जो मैंने जो मानक चाकरी जो कोरोना समय रे चली जाइछि 10,000 टंका लेखा प्रति मास दि जाऊ एस तो आम जदि कह हल्दीपाली छक जेहेतु प्रबल वर्षा जारी रही ता सत्वे ड्राइवर माने जो आंदोलन रे बसी रही प्रशासनिक अधिकारी उपजिलापाल एवं आसी पहुंची आंदोलनकारी मान सहित आलोचना कर जो दाबी गुड़िक रही दाबी गुड़िक जो जिला प्रशासन अधिकारी को जनाऊँ जन सारापर आग को जो ड्राइवर माने राजरास्ता अवरोध कर रखी उठे ना पुणी थे रे जना पड़ो तो ए प्रशासनिक अधिकारी जो आसी सहित आलोचना जारी रही स्मृति लग्ना निश्चित भाव प्रशासनिक अधिकारी सहित तो आलोचना जारी रही किंतु संघ आशा करुच्ची जे ये जो बंद करा जाए 12 घंटिया बंद ये 12 घंटिया बंद रो प्रभाव पड़ी बोली संघर सभापति अच्छा से जेहेतु आज प्रथम थर पर बरगढ़ जिले में 12 घंटिया बंद डाकरा दि जाए जो जानवाहन गुड़िक बंद कर रास्ता अवरोध करदी जो दाबी गुड़िक रही दाबी गुड़िक राज्य सरकार जदि न मानती आगामी दिन में मैंने जो गाड़ी ड्राइवर मैंने ड्राइवर आंदोलन आग को तीव्र करेंगे जो गाड़ी मान अच्छी गाड़ी मान चलवाटे छाड़देवे एस तो जो सारा राज्य में एका थर के आंदोलन करेंगे चेतावनी प्रशासन को दे
बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना मनीष शर्मा बरगढ़ प्रतिनिधि जहाँ सूचना दौले प्रशासनिक अधिकारी माने आलोचना करुछंती बरगढ़ में प्रथम थर बार घंटिया बंद पालन करार प्रभाव देखा मिली आपजुआल देखिपुंट कि दुकान बजार बंद रही सका छु संध्या छ समय निर्धारण विभिन्न दाबी नहीं संघ प्रशासनिक अधिकारी सहित आलोचना कर उत्तर बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि गत कालीर घूर्णिबलय प्रभाव में लघुचाप सृष्टि होइथिबा आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना लघुचाप प्रभाव में 28 रु 30 तारीख भितर राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना किछि स्थान में प्रबल वर्षा होबार आशंका रहिछि। आज 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 6 जिला हेउछि सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर जाजपुर भद्रक से भली भाव में 28 तारीख में 13 जिला को येलो वार्निंग जारी कर सीसीटीवी रे कैद हला बाइक चोरी रो दृश्य घर आगे रखिथिबा बाइक धरी छु मारिला चोर नकली चाबी रे गाड़ी लॉक खोलिला ताकु ने फरार मारिला जार सब दृश्य सीसीटीवी रे होईछि कैद। संबलपुर धनुपाली थाना साखीपड़ार व्यवसायी सुशील शर्मा घर सम्मुखर तांकर बाइक चोरी होईछि। घर आगे बाइक थिबा बेले चोर जनक एक बैग धरी सेठाकु आसिला परे नकली चाबी रे गाड़ी रो हैंडल लॉक को खोलिथिला एवं तापरे बाइक नै छु मारिबा सीसीटीवी रे देखिबा को मिलछि। आगक आसुची माओवादी शहीद सप्ताह पालन पर माओ नेता ऑडियो टेप जारी माओ संगठन पक्षर शहीद सप्ताह में मृत माओवादी को श्रद्धांजलि देवाई एक ऑडियो टेप जारी करी ए आह्वान देखते माओ नेता राकेश पूर्वर अनेक हिंसाकांड घटाइवा सहित नाच गीत कर शहीद सप्ताह पालन करा किंतु एथर से सबकि नक केवल मृत माओवादी को श्रद्धांजलि देवाई से देखते आह्वान। मलकानगि कोरापुट माओ डिजन संपादक तथा वरिष्ठ माओ नेता राकेश ए ऑडियो टेप जारी कर 2020 जुलाई ठारु 2021 जुलाई पर्यंत आंध्र ओडिशा सीमांत 13 जन माओवादी शहीद होता बेले ऑडियो टेप माओवादी ए शहीद सप्ताह को दृष्टि रखी पुलिस पक्ष सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी सहित माओ उपद्रुत इलाके सर्च ऑपरेशन को मध्य जोरदार कर देखा मिली। टोक्यो ओलंपिक्स पंचम दिन में स्पेन को 3-0 गोल रे हराई भारत तबे सेपटे शूटिंग रे भारत को निराश करिछंती मनु सौरभ जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्तल रे सप्तम स्थान रे रही विदाय नेछंती मनु भास्कर एवं सौरभ चौधरी। टेबल टेनिस रु भी आसी खराब खबर अचानक शरत 1-4 सेट रे हारी जाइछंती। क्यों देश को केते पदक मिली तार तालिका वर्तमान आपण निजर टीवी स्क्रीन में देखिपुंट एवं पर्यंत भारत गोटे पाई रौप्य पदक ता सहित आमेरिका 19 पदक पाई जनापड़ी जापान 13 पाई चीन पाई 19 रुषिया 15 ब्रिटेन 10 ऑस्ट्रेलिया 7 पाई बेले कोरिया 7 खबर को आसीबा कोरोना सहर राजधानी रे डेंगू काया भुवनेश्वर रे अनेक लोक डेंगू रे आक्रांत हेबा परे बे राज्य सरकार एवं बीएमसी चुप बसीथिबा अभिजोग आणुछि बीजेपी। प्रतिवाद रे भुवनेश्वर सांगठनिक जिला बीजेपी पक्षरु शैलेश्री बिहार रे विक्षोभ प्रदर्शन करा जाउछि जेभली भाबरे आपण जानिछंते वर्तमान कोरोना महामारी काया विस्तार करिछि ता सहित राजधानी वासिंकु डेंगू रो भय मध्य घारिछि अनेक जगह रे डेंगू रोगी चिन्हट हेबा परे मध्य कहीं प्रशासन चुप बसी ताकु नहीं कि बीजेपी अभियोग आनी विक्षोभ प्रदर्शन करुछि
बाबद्रे अधिक सूचना पई सीधासल काम प्रतिनिधि कविता पाखक जा कविता बीजेपी आज शैलेश बिहार में विक्षोभ प्रदर्शन करुच्ची बीएमसी एवं राज्य सरकार कहीं चुप बसते लोक डेंगू में आक्रांत होगा कौन दृश्य सामना को आसुची निहत भाव में स्मृति लग्ना जदि गोटे कथा कह कि कोरोना कायविस्तार करता बेले एवं डेंगू सामना को आसी अनेक संख्यार डेंगू संक्रमित सामना को आसिले गोटे दिन में तीस रु चालीस जन डेंगू रोगी चिन्हट होती पंदर दिन भितर चारिश रु पांच पाखापाखि डेंगू रोग चिन्हट हो आज आज सबुठ बड़ कथा हूँ आज जड़े रोगी मृत्युबरण करोथु नजर रखे आज बीजेपी सांगठनिक जिला पक्षर आज कर विक्षोभ प्रदर्शन करैलश्री बिहार में संपूर्ण दृश्य देखा चाहिए कि डेंगुर जो शिकार होती प्रशासन एवं बीएमसी वर्तमान पर्यंत चुप रही कौन मशा धुआं जो गाड़ी बुले से सब बंद रही जिते बड़े कोरोना संक्रमित खबर प्रसारण करोना भितर तार बारंबार चित्र देखा पर गोटे व्यवस्था करंचल स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्यंचल स्वास्थ्य केन्द्र में आरंभ होता टेस्टिंग आरंभ होता तापर अनेक समय देखा मिलता अनेक रोगी चिन्हट होते कहीं तथ्य रो ना बीएमसी पाखे अनेक तथ्य ना जेहतु बाहर ट्रिटमेंट करुले टेस्ट करुले जो कि बीएमसी पाखे ना खबर ना जहाँ को आम खबर प्रसारण करूँ बारंबार खबर प्रसारण कलापर बीएमसी घटनास्थल पहुंचला तदारख कर किसी घटना जेहतु संक्रमित अनेक संक्रमित चिन्ह नजर रखी व्यवस्था कर आज बीजेपी राज्य रास्ता को ओह्ल विक्षोभ प्रदर्शन कर संपूर्ण दृश्य देखा चाहिए कि क्यों भाव में समस्ते यहाँ गोटे गोटे कोरोना जिते बड़े चली समय जेहतु डेंगू काय विस्तार कर बाहर केमती समस्या रो समाधान करा जीवो एवं स्वतंत्र पैकेज डेंगू पाई केमती स्वतंत्र पैकेज घोषणा करा जीवो सेथिने व्यवस्था करा जाउछि से संपर्क रे अधिक आलोचना करबा पाई बीजेपी कर्मी माने नहीं देखंतु कोविड पड़ी ए कोविड परिस्थिति रे जेमती शहर सामना करूछि कोविड परिस्थिति सरकार जानी सुनी म्युनिसिपालिटी जानी सुनी आउ गोटे रोग को आम उपर लदि ए बर्षा दिने ना ड्रेन में तेल पड़ू ना सहर रे धुआं गाड़ी बुलू दुखर विषय ए कथा को सरकार बा भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी जानी सुनी भुवनेश्वर वासी को उपर लदि कारण एटा होची पूरा मनुष्यकृत एमाने जदि चाही चाहते जानी वर्षा आसीबो ता पूर्वरु तार प्रतिकार कले नाही ड्रेन रे तेल पकौ नाहंती धुआं गाड़ी के बुलाऊ नमें दुई चार वर्ष होगा देखलुणी कौन से ड्रेन में तेल पड़ू ना दुखर विषय ए मनुष्यकृत जो भाई भाव में ड्रेन में तेल पड़ूना ता सहित तो जो मशा धुआं गाड़ी बुलवा कथा ता बुलूना जहाँ सबुठ बड़ समस्या पलटि वर्तमान राजस्थान में संक्रमित रोगी चिन्हट होती कविता वर्तमान क्लीयर कट चित्र सामना को आसी कि जण डेंगू में आक्रांत होती कौ कौ इलाके बेसी यार उपद्रव देखा मिली निहतु भाव आम कह विशेष भाव में जो रही पटिया अंचल शैलेश्वर विहार नीलाद्री विहार एवं कल्पना अंचल विशेषकर डेंगू रोगी चिन्हट होती ता सहित पाखापाखी पांच रु अधिक रोगी वर्तमान पर्यंत डेंगू रोगी चिन्हट है राजधान में किंतु प्रशासन चुप रही बीएमसी उपर ठोस पदक्षेप निजाऊना जो भाई भाव में पदक्षेप ने डेंगू को रोक जा पार रोक लग जा पार कि कहार भी गुरुत्व नहीं आम कहीपर जो कि अनेक थर खबर प्रसारण कलापर जाकि बीएमसी आसू घटन टेस्टिंग व्यवस्था करु पूर्वर कहीं नुहे जिते बर्षा दिन आसू जिते बर्षा दिन पूर्व यार सब व्यवस्था करवा दरकार क्यों जो टायर जहाँ सब व्यवस्था रोचे पा जमी रोचे
ସେସବୁ କେମିତି ସୁଧାର ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ନଉଯିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। କବିତା ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ବିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି, ବିକ୍ଷୋଭ ପଛରେ ଏ କାରଣ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି କୌଣସି ନିଘା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଟିଆ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଏ ଜାଗାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ, ତା ସହିତ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ସବୁରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିଭଳି ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି ବି, ଇଏ ହେଉଛି ନିୟମ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଅର୍ଗସ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେବେ ଏମାନେ କିଏ, କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, କ'ଣ ଅଧିକାରରେ ଏମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହିଳା ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ତେବେ ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 2-2.5 ମାସ ହେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କଡ଼ା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ, କହିପାରିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ସିଧାସଳଖ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜଣେ 2-ଷ୍ଟାର୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପୋଲିସଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲୁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବା ଓପି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କେ ରିପୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନାଧିକୃତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ, ଆମ କହିପାରିବ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନାଧିକୃତ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ପଶିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳା ସିଧାସଳଖ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ, କେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛି ତ? ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଭିଜୁଆଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବ ତ, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବ ତ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ 2 ଜଣ ଲୋକ କିଏ? କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ 2-ଷ୍ଟାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କୁଳମଣି ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲୁ। ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସିଧାସଳଖ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା, ସେଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସେବାୟତ ବା ପୂଜକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ଦୁଃଖର ଖବର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଜେଟିପି ଠାରୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଜେଟିପି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାଟି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିପାରିବା 10-15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବର ଘଟଣା, ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଛି, ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ରିଆକ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, କେହି ବି ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ପୁରୁଷ ସିଧାସଳଖ ପଶିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏତେ ସାହସ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ହେଲା, ସିଧାସଳଖ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଶିଲେ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବଗତ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖିବ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କ'ଣ ରଖିବ? ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସରେ ମାନେ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି?
निहाती भाव में स्मृति लग्न पारिपार्श्विक स्थित को तो जब आम अनुमान करवा से ही आभास मिलू निश्चित भाव में जड़े क्षमता संपन्न व्यक्ति द्वारा ही थी कारण गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करने भक्तों पर जितने बारण रहा किभली भाव में जड़े महिला और जड़े पुरुष सीधा साल गुंडीचा मंदिर में पशिले और जड़े सुरक्षाकर्मी जी टू स्टार लेखाई है राज्य बाहर पुलिस भी आम भी अनुमान कर तो किभली भाव से गुंडीचा मंदिर परिसर को तो आसपारे जेहेतु कटका रही कटक उठी जाइए संध्या छटा पर्यटन कि पांचटा पर्यटन कटक रही है कि गुंडीचा मंदिर भितर को ये साहस कमी किए से पावरफुल लोक किए से नबारे आलोकाशुतोष जदि एभली तेज राज्य लोक प्रश्न उठाइबा स्वाभाविक कारण क्षमता संपन्न व्यक्ति पाखे भगवान नहांती भगवान को दर्शन करने कौन रेफरेन्स आवश्यकता ना जहाँ साधारण लोकों अन्य केवल सेवायत को छाड़ीदे आक दर्शन अनुमति ना तेज कौ आधार में मंदिर भितर को छड़ाला से तो स्वाभाविक भाव प्रश्न उठ निश्चित भाव स्मृतिलग्न 4.5 कोटी ओडिया समेत पूरी सहर बासिंदा भक्त श्रद्धा जो महाप्रभु चर्मचक्षुरे देखिपार ना एत बड़ कटक रही कोरोना महामारी चली श्रीमंदिर बंद रही गुंडीचा मंदिर बंद रही किभली भाव सरलतार फायदा नहीं कि सुरक्षाकर्मी जिते अनुपस्थित अच्छा फायदा नहीं कि जो महिला भक्त पुरुष भक्त सीधा साल गुंडीचा मंदिर भितर को जाऊँच पुणि थे आसुच्च भिजुआल बयान करती निश्चित भाव में पूरी सहरवासी आरंभ कर 4.5 कोटी जगन्नाथ प्रेमी समस्ते क्षोभ प्रकाश कर समस्ते प्रतिक्रिया देखी से दर्शन बंद रही तो यही जो दुई जन भक्त एने किए कौटु आने परिचय तो बर्तमान सुधा स्मृतिलग्न स्पष्ट होना कि श्रीमंदिर प्रशासन कौन आक्शन नौपर एवं समस्त नजर रही बड़ कथा हो पुरी सहर बासिंदा भक्त समाज बर्तमान यहाँ तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश कर विरोध करेतु से गुंडीचा मंदिर बंद रही अन्य किभली भाव अनाधिकृत प्रवेश कर आलोक आशुतोष रिपोर्टर अधिक सूचना दूसरे समस्त मंदिर बंद कौ अधिकार पुरुष जनक महिला जनक मंदिर में प्रवेश किए अधिकार देला ना क्षमता संपन्न व्यक्ति रेफरेन्स माने ए अधिकार पाई सृष्टि प्रश्न परवर्ती खबर को आसीबा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिबे दीदी पांच दिनिया दिल्ली गस्तरे थिबा पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपराह्न 4:00 प्रधानमंत्री को भेटिबार कार्यक्रम रही मोदी आलोचना पर से एक सांबादिक सम्मेलन करेंगे तेज ममता प्रधानमंत्री क्यों विषय आलोचना करेंगे से नहीं राजनीति जोर धरी 2021 विधानसभा निर्वाचन पर ममता यह प्रथम दिल्ली गस्त ए समय रे से प्रधानमंत्री सहित अन्य विरोधी दल नेता मानक भेटिबे विशेष भाव में विधानसभा निर्वाचन जितिबा परे दीदी नजर 2024 लोकसभा निर्वाचन उपरे रही तेणु ए गस्त काल रे से विरोधी दल नेतृवृंदों सह तृतीय मोर्चा ने आलोचना करिपारंती बोली चर्चा होउछि ए क्रम रे से कांग्रेस अंतरीण अध्यक्ष सोनिया गांधी वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी कमलनाथ को भेटिबार कार्यक्रम रहउछि बोली जनापड़ी बुलेटिन खबर इतनी नमस्कार।